हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले बॉलीवुड और उसके नशे के बारे में, मतलब रीमेक हुड यानी बॉलीवुड और उसके रीमेक के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर आज से नया चर्चा नहीं चल रहा है, पहले से ही ऐसा चर्चा चलता हुआ आ रहा है। बहुत पहले से ही बॉलीवुड को लोग रोस्ट करते हुए आ रहे, हर दिन रोस्ट करते हुए आ रहे, हर एक तरीके से रोस्ट करते हुए आ रहे, क्योंकि बॉलीवुड अपने आप को रोस्ट होने का, बेइज्जत होने का सामने से मौका देता है। और पहले से बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर कितने सारी चीजें उन्होंने अपने आप से रायता फैला के रखा है। मतलब ये एक फिल्म इंडस्ट्री ना मानो, ये एक रायता इंडस्ट्री, इसको एक कंट्रोवर्सी इंडस्ट्री, इसको एक नेपोटिज्म इंडस्ट्री। और अभी जो इनको एक नया टैग मिला जो कि उनके ऊपर एकदम 100% सूट करता है, रीमेक हुड। मतलब पहले से इन लोगों के एल लगे पड़े हुए, उनको सुधारना तो दूर की बात है। नए नए और कारनामे करके, कंट्रोवर्सी करके, नए नए और चीजों को ऐड करके, एक सार्वजनिक, कहते हैं ना सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक ये, सार्वजनिक अपने रेपुटेशन को वैसा ही बना के रखा है। मतलब आए दिन जो आते इनको पेल के चले जाते, और करेंगे भी क्यों ना, ये लोग सामने से आके मौका देते हैं कि आ भाई मेरे को पेल के चले जा। मतलब एक हद होती है, ये लोग हद भी पार करे, इतना सभी चीजें हो रहा है, लोग इतना बॉयकॉट करे, ये करे वो करे, देखने को मिल रहा है कि लोग आपके नए फिल्म को भी सपोर्ट नहीं करे, नए फिल्मों को भी पसंद नहीं। जहाँ पे बॉलीवुड मूवीज रिलीज हो रही है अच्छे खासे स्क्रीन लेके, वही पे एक साउथ मूवी रिलीज हो रहा है कम स्क्रीन लेके, फिर भी लोग साउथ मूवीज को देखना पसंद कर रहे बजाय बॉलीवुड मूवी। वो मूवी नया है, मार्केट में नया है, फिर भी लोग साउथ के पुरानी मूवीज को देखना पसंद करे बजाय बॉलीवुड मूवीज। तो इससे भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ, फिर भी वही अगर आप लोगों को रीमेक ही करना है तो आप लोगों को मोस्ट वेल करते जाओ, जब कतार में खड़ा करा के एक साथ पेल दिए जाओगे तब पता चले। एक फैक्ट बताता हूँ यहाँ पे, एक अगर ओरिजिनल मूवी का अनाउंसमेंट करी, साथ ही साथ तीन तीन रीमेक मूवी का भी अनाउंसमेंट कर दे। रुको भाई, एग्जाम्पल दे, रिसेंट जो मूवी आ रही है सलमान खान के, शाहरुख खान के, आगे जाके क्या होने वाला है मुझे बता। और ये ओरिजिनल मूवी है और इसका अनाउंसमेंट बहुत पहले हो चुका है, एंड अभी देख सकते हो रीमेक मूवी का क्या लाइन है। मतलब कतार में खड़े हैं कि भाई ये रिलीज होएगा उसके बाद या फिर उसके आगे तो हम रिलीज होने वाले हैं। मतलब एक ओरिजिनल मूवी के साथ साथ बॉलीवुड के अंदर 10 डुप्लीकेट मूवी यानी कॉपी मूवी यानी रीमेक मूवी फ्री। एक ओरिजिनल मूवी हम देंगे, साथ साथ 10 रीमेक मूवी हम आप लोगों को फ्री देंगे। तो यही चल रहा है और यही नशा चल रहा है और यही बॉलीवुड का सो कॉल्ड राज चल रहा है इसके अंदर। और मार्क माय वर्ड दोस्तों, यही नशा एक दिन इन लोगों को डुबाएगा भी और लोगों को सोचने में भी मजबूर करेगा कि हमने ये नशा किया तो किया। मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर इतना सारा मसला है और इतना सारा कंट्रोवर्सी है, इतना सभी चीजें है ना भाई, ये फिल्म इंडस्ट्री कम कंट्रोवर्सी इंडस्ट्री ज्यादा है। मतलब इनके जितने भी कंट्रोवर्सीज होते इससे ही तो जितने भी न्यूज चैनल है उनके पेट चल रहे हैं। अभी कितने सारे रीमेक फिल्में रेडी होके बैठे हैं कि साउथ के ओरिजिनल फिल्म को पहले रिलीज डेट अनाउंस करने दो, उसको रिलीज होने दो, उसके बाद जो हम करें, क्योंकि उनको भी पता है इन ओरिजिनल फिल्म के साथ अगर ये फिल्म क्लैश करेंगे तो इसका क्या हाल होने वाला। तो यही लोग अगर रियल मूवी बनाते हैं तो इनको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी मूवी रिलीज हो जाए अपना फिल्म चलने ही वाला, क्योंकि उस टाइम पे उनको भी पता होता कि अपने फिल्म के अंदर भी बहुत दम है। लेकिन हमें ऐसा क्यों करना है, हमें तो नशा करना है। और अभी हिंदी मार्केट के अंदर अल्लू अर्जुन का किस कदर क्रेज है हमें बताने की जरूरत नहीं है। पुष्पा के बाद सभी को पता चल गया है, पुष्पा के बाद सभी हेटर्स की जबान गांड सभी बंद हो चुका है कि ये बंदा कौन है, अल्लू अर्जुन कौन है। जो लोग कह रहे थे ना कि पुष्पा से इनको पहचान मिला है, भाई मेरे पुष्पा से उनको पहचान नहीं मिला है, इनका पहचान बहुत पहले से ही था, ये जस्ट आ नहीं रहे थे, शेर आया और शेर छा गया। इसको कहते हैं ब्रांड, इसको कहते हैं ब्रांड सुपरस्टार। एंड जितने भी साउथ के ऐसे ब्रांड मूवी रिलीज होने वाले हैं ना, अगर बॉलीवुड ऐसा ही करता रहा तो साउथ के फिल्में हिंदी मार्केट के अंदर चलेंगे और जितने भी बॉलीवुड के सुपरस्टार से वो लाइन लगा के साउथ मूवीज के अंदर घुस जाएंगे, क्योंकि बॉलीवुड यानी हिंदी मूवीज को कोई नहीं देखने वाला, क्योंकि ऑडियंस चूतिया नहीं है कि तुम लोग जो भी दिखाओगे, जो भी कॉपी कॉपी करते जाओगे, और वही लोग चूतिया बन बन के पैसा खर्च कर कर वही चीज देखने जाएंगे जो कि वो देख चुके हैं। अभी इस विषय में आप लोग क्या करना है मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। यही था बॉलीवुड का सो कॉल्ड राज जो कि सभी को पता है लेकिन पता होते हुए लोग इग्नोर कर, एंड अभी ऑडियंस इतना समझदार हो चुके हैं बिना कुछ मुंह से कहते हुए भी अपना काम कर देते हैं और इस तरीके से बॉलीवुड को इग्नोर कर रहे हैं कि बॉलीवुड वाले भी समझ चुके हैं। हम अगर फिर भी ऐसा करते रहे तो ऐसा ही होने वाला है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी तक नहीं समझे, फुल चौर से सीना तान के जो रीमेक पे रीमेक पे रीमेक जो अनाउंसमेंट करे जा रहे, रीमेक पे रीमेक पे रीमेक फिल्में खरीदे जा रहे और करते जा रहे। मुझे पता नहीं ये लोग अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने का इतना क्या शौक है, अपना ही गांड मारने का क्या शौक है। अभी जो भी हो आप लोग क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स जरूर से बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको जरा से भी पसंद आए वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड जितने भी मैंने बातें कही है अगर आपको कोई भी वैल्यूबल लगा है कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हो, एंड वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। एंड अगर आपको भी इस बारे में कुछ कहना है और मेरे बात से आप भी सहमत हो मुझे कमेंट बॉक्स जरूर से बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बहुत
क्लोज हूँ, बहुत क्लोज तो नहीं कहूंगा लेकिन क्लोज हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट कर दोगे तो और भी क्लोज चला जाऊंगा, 2K सब्सक्राइबर होने वाले, तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।